अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डेरी गाइड मोहम्मद शुक्र अल्लाह और आप देख रहे हैं एनिमल इन्फार्मर टीवी। आपके जानवर के थन से खून आता है, जानवर के नाड़ सख्त है, जानवर की धार सख्त हो गई है, थन के आगे क्रिंड आ जाता है, जानवर जो है वो थनों को हाथ नहीं लगाने देता, चड्डे पे सोजिश आ जाती है, चड्डे में दर्द होना शुरू हो जाता है, चड्डे में से किल बनना शुरू हो जाते हैं। किल बने हुए मैंने वीडियो एक अपलोड भी की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। किल बनना शुरू हो जाते हैं, ये एक फोर्थ जनरेशन है मेस्टाइटिस की, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चड्डा जो है वो सूज जाता है, लाल किया जाती है चड्डे पे, धार सख्त हो जाती है, थन में नाड़ पड़ जाती है, उसका इलाज आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल और प्रेस कर दें बेल आइकॉन, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मौसूल हो और आप मुस्तफिद होते रहें मेरे चैनल से। तो भाइयों, सिर्फ 10 रुपये में आप ये इलाज कर सकते हो, सिर्फ 10 रुपये में। आपको चाहिए 2 केले, केलों का मौसम है, 2 केले चाहिए आपको, चित्री वाले, कच्चा केला ना हो, चित्री वाला केला हो मेरे दोस्त। चित्री वाला केला ये होता है कि जो केला चित्री वाला होता है उसके ऊपर निशान से होते हैं चित्री वाले केले पे, वो केले आपने ले लेने हैं 2 अदद। 2 केले लेके ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको चीरा दे के दरमियान से 5 ग्राम काफूर, देसी काफूर, कागजी नहीं, देसी काफूर 5 ग्राम आपने लेके इसको केले को कट दे के इसमें फंसा के, जिस तरह ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह बन जाएगा। केले को कट दे के उसके अंदर 5 ग्राम काफूर रख के उसको बंद करके 1 केला सुबह 1 केला शाम, 3 दिन छोड़ के फिर 1 केला सुबह 1 केला शाम, आप 3 दफ़ा देंगे इंशाल्लाह ये बीमारियां थनों की ख़त्म हो जाएंगी। थन से खून आना, थन के मुँह के आगे क्रिंड आना, थन में नाड़, थन में गिल्टी, चड्डे में गिल्टियाँ होना, चड्डे का सुर्ख हो जाना, या आपके जानवर की जो है वो बाज़ूकात, यार बहुत ज़्यादा ये मसला फील्ड में आता है, मेरे साथ खुद भी है कि लोग कहते हैं कि यार हमारा जानवर ब्याया ना तो उसकी जो है वो धार जो है ना वो सख्त हो गई है, थन सख्त हो गए हैं, थन नरम नहीं है, थन नरम होने चाहिए, थन की जो है वो चुवाई सख्त है, हर बंदा चुवाई नहीं कर सकता। तो आपके जानवर के थन की जो चुवाई है वो भी नरम हो जाएगी, चारों थनों की इंशाल्लाह। अगर चड्डा काना है ना, ऊपर नीचे है, बराबर नहीं है चड्डा, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है कि केला और दूसरा देसी काफूर, और किस तरह देना है ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मोहब्बतें प्यार बांटते रहें कमेंट करके। तो फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।